बालू पकड़ो पकड़ो। अक्सर कृष्ण के पीछे कौन भागता है? लेडीज। तो फिर ये जेंट्स क्यों भाग रहे हैं? रुक जा, रुक जा, बाल कृष्ण तो मुझे चोर लग रहा है, पकड़ लें क्या? रुक, छोड़ना मत, भाग गया वो। कहाँ गया, तूने देखा क्या? वो लड़का तो गायब ही हो गया, कहीं वो भगवान तो नहीं था? यो रे माखन चोर, ऐसा क्या किया तुमने जो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े? 10 रुपीज। भला मैं तुम्हें 10 रुपीज क्यों दूं? तुमने मेरी स्टोरी पूछी ना, मुझे मेरा टाइम वेस्ट करके सुनाना पड़ेगा ना। लड़का इंटरेस्टिंग है, 10 रुपए दे दे बालू। ओके। कृष्णा का गेटअप पहनूंगा तो 10 रुपए देने को वादा किया था, तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे ये सब पहना के कृष्णा बनाया। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ट्रिक भी सिखाई। क्या ट्रिक सिखाई? ओपन योर माउथ। कृष्णा तो ब्लैक थे, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं थी, लोगों में सब आके पैसे कहने देने लगे। देखा जाए तो चीटिंग है ना, तो मैंने सच बता दिया। और मुझे बीट करने के लिए पीछे पड़े थे। अगर सच नहीं बोलते तो तुम्हें 10 रुपए मिल गए होते ना? मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं देख नहीं सकता। हे राजन, तुम किस राज्य के राजा हो बताओ? प्रेजेंट इंडिया, फ्यूचर आई डोंट नो। ओए, तुम्हारी हिंदी अजीब सी क्यों है? आई एम एन एंग्लो इंडियन। ये बच्चा कौन है पता नहीं, लेकिन है बड़ा शार्प। ये कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मीका है, समाज सेवा पार्टी से। लोगों में मैं अपनी बातों से चेतना जगाता हूँ। मुझे 20 मिनट में पार्टी ऑफिस पहुँचना है, छोड़ोगे क्या? मैं चलूंगा। सॉरी, मैं शनिवार के दिन काले लोगों से नहीं मिलता। पर मेरी कार तो वाइट है ना? लेकिन आदमी तो काला है। पापा, पापा गुंडे बदमाश ने। अरे बाबे, अरे तुम्हारे, अरे रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना, डील फाइनल तो होने दो। श्रीदेवी, तुम्हें एसआई बनाने के लिए मैंने इन्हें 10 लाख में मार्केट भेज दिया था। तुमसे कहा कि थाने जाकर साइन करके आ जाओ, लेकिन मार्केट जाकर सारा प्लान चौपट कर दिया। ये तुम्हें तो मार नहीं सकता, इसलिए मुझे मार रहा है, भड़ास निकाल रहा है अपनी। यही बात तो बताने की मैंने कोशिश भी की थी। श्रीदेवी, श्रीदेवी कहा था ना? ओह, तो इसके एक्सप्रेशन का मीनिंग वो है। जानकी, बहुत सारी बातें करनी है, आप लोग जा सकते हैं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं जनता की सेवा करके सरकार से मेडल लूंगी। मेडल की बात की ना तो मार डालूंगा। भूल गए एसआई की पोस्ट कैसे मिली? रनिंग में फेल। अरे रुको भी, घर में मिठाई ज्यादा खाती हूँ ना। लॉन्ग जंप में फेल। अरे बाप रे, ये इतना ऊंचा क्यों है? ये भगवान। निशाने में भी फेल। टेक पोजीशन, फायर। बोर्ड कहाँ था, फायर कहाँ किया तुमने? सॉरी सर। इतना फेल होने के बाद भी एसआई की पोस्ट किसने दी इसे? जानकी, मेरी पत्नी, इसकी माँ। मैंने अपने 20 तोला सोना बेच दिया। गोल्ड त्यागम, मेरी भाभी, मेरे भैया, 24 घंटे बस कॉफी पीते हैं। इसके लिए मैंने अपने पति का घर भी बेच दिया। हाउस त्यागम, इसके लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। मेरी नौकरी भी गई। जॉब त्यागम, इतने सारे त्याग करने के बाद हमारी फैमिली ने कुल मिलाकर 25 लाख दिए हैं, तब तुम्हें ये एसआई की पोस्ट मिली है। इतनी बैड हिस्ट्री रखकर मार्केट में इतनी बड़ी फाइट कैसे कर ली सर? अच्छा, तो वो फाइट इसने की? ओए, मुझे फाइटिंग नहीं आती, चुपचाप से मार खालो, वरना उल्टे सीधे केस लगाकर अंदर कर दूंगी। अच्छा, तो जंगल में मंगल। ये मिडिल क्लास की जिंदगी हम नहीं जी सकते, हमारे त्यागों का हमें फल मिलना चाहिए। मैं हर महीने आपको अपनी सैलरी लाके दूंगी। कॉफी। सैलरी दोगी तुम? वो इसी में खत्म हो जाएगी, टैंकर भर दूध आता है। तो मैं ओवरटाइम कर लूंगी ना? तो तू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी? नहीं करूंगी। जानकी, एक चाकू ले आओ। जानकी, ए, तेरे लिए हमने हमारी बलि चढ़ाना चाहती है। ये सीन का कंटेंट भी नहीं समझता। अब ये नाटक बंद करो सर, आपको 25 लाख चाहिए ना? 5 लाख ज्यादा लगा दिया आपने। मारा क्यों? कम लगाए, 10 लगाकर राउंड फिगर। ओके, टोटल 40 लाख। बस एक स्कैम करवाऊंगा, आपको मंजूर है ना? बिल्कुल नहीं है। साइड में चलो मैडम, चला जिद मत करो मैडम, बस एक स्कैम और करना होगा, उसके बाद आप मेडल के रूट की तरफ जा सकते हो, अपना फ्यूचर भी ठीक रहेगा। अपना फ्यूचर कौन सा? आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। ठीक है पापा। बोल बेटी। एक मतलब एक ही स्कैम। जानकी। जी हाँ। ये हमारी हमारी ही बेटी है। हाँ जी। Constables, high tension in Hyderabad city. You go to high tech city. Okay, you go to old city. Okay, sir. क्या होता है मैडम ना कि जब टाइम पे Morning, आ जाते हैं तो बालू IPS
ऑन ड्यूटी। सर। क्यों भाई किशोर? सर शहर वहाँ पर जल रहा है और तुम एसआई के साथ लगे पड़े हो। सॉरी सर, सॉरी मैडम। यू आर द टीम ऑफ द लीडर ऑफ द कैप्टन एक्सेप्ट श्रीदेवी। टेक द होल टीम एंड गेट लॉस्ट। होल टीम एंड गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। होल्ड ऑन सर। क्लोज द डोर एंड गेट लॉस्ट। डेफिनेटली सर। सर ऑर्डर दीजिए सर, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तो तुम कहाँ जाओगी? बैठो। यस सर। क्या श्रीदेवी, तो क्या चल रहा है? नथिंग सर। थोड़ा करीब आ जाओ ना, घर में मम्मी पापा रिश्ता देख रहे होंगे ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, थोड़ा और करीब आओ ना। फ्यूचर प्लान्स क्या है? जनता की सेवा करके सरकार से एक मेडल लेना है सर। अरे बाप रे, मेडल? हाँ। थोड़ा और नजदीक आओ, अपना हाथ तो दिखाओ मुझे। तुम्हें मेडल मिलेगा। हाँ। पति मिलेगा। मैं बताता हूँ ना, रेखाएं इतनी मुलायम कैसे हैं? कौन सा साबुन? ओ वाह, क्लोज योर आईज। सर सर, पिटी में कोई हंगामा नहीं हो रहा सर। क्या बोला? ओ येलो बोर्ड, मतलब टैक्सी। सीएम ने हमें इनोवा दिया, कमिश्नर को कैब क्यों दिया? समथिंग इज फिशी, लेट्स गो। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? किशोर, मेरे बताए ऑपरेशन को छोड़कर बीच रास्ते से लौट आए तुम? पूरा डिपार्टमेंट देखो खल्लास, मेरे बात करने से पहले चले आए। यू ऑल आर इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इन ऑर्बिट मॉल अकॉर्डिंग टू आईपीएस सेक्शन। मणिनगर से एयरपोर्ट का कितना लेते हो भैया? वैसे तो 450 लेते हैं, मेरी सुप्रीम कैब है इसलिए 550। टोल टैक्स अलग से ना? और नहीं तो क्या। तीन दहाड़े पुलिस स्टेशन में कैब पर साइन लगाकर हमारे एसआई मैडम से सेल्फी ले रहे हो? जरूरत नहीं है तेरी तो। कल मैडम को मार्केट में देखा तो लव एट फर्स्ट फाइट हो गया। अरे बापरे बापरे बापरे, स्पोर्ट्स कार की तरह क्या लगती है ना। हाँ है तो भाई। अगर मैं कहता मैं कैब ड्राइवर हूँ, तुम्हारी मैडम से प्यार करता हूँ तो अंदर आने देते? जरूरत नहीं है, निकल। नहीं ना, इसीलिए यूनिफॉर्म पहनकर मैंने लव प्रपोज किया, मैटर कन्वेड। श्रीदेवी को भी थोड़ा सोचने दो। सुनो भाइयों, अपनी शादी पर तुम सभी के कपड़े सिलवाऊंगा। हाँ मैं छोटा सा हूँ ना, मेरी शर्ट साइज 38 है और इनकी। क्लोज द डोर। कराटे मैडम, अभी सिनेमैटिक फाइट की क्या जरूरत है? मैंने अब फैसला कर लिया है। जरूरत आउट। पकड़ रे बाबा। अच्छा अच्छा, वो वो वो। या भाई, फाइट है मसाज है? ये फाइट नहीं, मसाज है। अच्छा अच्छा, बॉडी सो स्मूथ, वाओ। अब तो गया। मैडम भी गई अब काम से। मैं देखा। अंदर क्या हो रहा है राघव? और क्या होगा, फाइट है। किशोर भाई, सेल्फी से हो जाता था, लेकिन क्या फाइट प्लान की है ना। एंजॉयिंग बाय सेल्फ। अंदर आ। अभी आया श्रीदेवी। जुगाड़ बोल बे, आपके पास में जो खड़ी है उसके साथ मेरी भी एक फाइट करवा दो ना। ज्यादा बोलो, जान से मार दूंगा इसको। रोकना रे, चार्ज पकड़ो, पकड़ रे, पकड़ पकड़। श्रीदेवी छोड़, श्रीदेवी बता दो ना मैडम, आप बता दो, छोड़ दो ना श्रीदेवी। उस तरफ श्रीदेवी, मैडम चांस चाहिए। श्रीदेवी मैडम, फाइट है, फाइट है मैडम ये। मैंने पहले ही बोला था सिनेमैटिक फाइट की जरूरत क्या है, लेकिन आपने बात नहीं मानी। वो कुछ उल्टा सीधा कर जाता तो हु इज रिस्पांसिबल, हु इज रिस्पांसिबल। मैंने सोचा था उसे बहुत मारूंगी, लेकिन वो थाई मसाज कर गया। जो हो गया सो हो गया, दोबारा कभी ऐसी मसाज फाइट नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। वादा? ये बेकार का वादा नहीं चाहिए मुझे, कटप्पा वाला वादा चाहिए। ये चरण मेरे सर पर है, लेकिन ये दर्द मेरे सीने में है। उस टैक्सी वाले भल्ला लाल देवा को तो मैं देख लू। Start the work. Yeah. Well, it's fine. Govinda, Govinda. Hey, meri car. हाँ मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ कहा था। ये ATM पे ballot parking कैसे? Hey, मेरी गाड़ी है, मेरी car. राघव कमिश्नर साहब आ रहे हैं, सब रेडी है ना? सब रेडी है सर। फटाफट कर तू। नहीं पापा। मैं नहीं सुनूंगा। मुझे थोड़ा time दीजिए ना। रही है। मैं जरूर कुछ करूँगी। मैडम, आप किससे बात कर रही हैं? घर में मेरे पापा sad face दिखा के मजबूर कर रहे हैं। जहाँ भी जाऊँ वही दिखाई देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सर,
सैल्यूट में कमी नहीं है और चैनल्स वाले जिन्हें हराम कर रहे हैं वो वैलेट पार्किंग वाले को कब पकड़ोगे? मेरी कार भी चोरी होने तक देखते रहोगे है ना? 32 लोग हैं मेरे पीछे लेकिन किसी काम के। सर आपकी कार वो ले जा रहा है? वो लेकर नहीं जा रहे, चोरी करके जा रहे। अरे बहुत महंगी कार है, अरे पकड़ो जल्दी उसे, अरे पकड़ो। Come on, go, 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 catch them. I won't drop the catch, madam. Tom, the cops are coming. Cruz, they can't catch us. Cruz, this is ancient technology. Needle balls. Wow, amazing. Zing, zing, throw it. It's amazing. Zing, zing. इस कार से अच्छी तो उन लोगों की गाड़ी है। अब उस कार का कैसे पीछा करें? पहले कार रोकनी पड़ेगी। लेफ्ट 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 लेफ्ट। श्रीदेवी, अरे बाप रे, इससे तो बचना ही अच्छा होगा मैडम। चलिए श्रीदेवी, उधर देखिए मैडम। श्रीदेवी देखने का। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या श्रीदेवी, लिफ्ट मांगकर भी मेरी कार में नहीं बैठते? हमारी कार में नहीं बैठेंगे। ये देखो, हम दोनों ड्यूटी पर हैं। पर्सनल छोड़ दो, प्रोफेशनल रहेंगे। जल्दी चलो, उन्हें जाए 15 मिनट्स हो चुके हैं। 15 मिनट्स को 15 सेकंड्स में कवर करूंगा। भाई है, व्हाइट कार। हाई फाइव। टॉम, दे आर फॉलोइंग द टैक्सी। रूज, इट जस्ट अ टैक्सी। यू आर अमेजिंग। जिंग जिंग। अरे टर्निंग टर्निंग टर्निंग। अरे फिर से टर्निंग, फिर से। तुझे क्या टर्निंग दिख रहा है? टर्निंग पे हम भी तो टर्न होंगे ना। टर्निंग टर्निंग करके हाथ साफ कर रहा है। तू क्या वीडियो गेम खेल रहा है? चुप रे, चुप रे। अरे श्रीदेवी जी, खाली बैठने से अच्छा उनके टायरों को उड़ाओ ना। शूट 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 शूट। अरे सत्यानाश हो तेरा। Tom, she is firing. Cruz, all misfiring. You can't firing? Zing, zing. Yeah, yeah. क्यों भाई किशोर? टायर पर निशाना मारो तो कहीं और ही मार रही है। कहीं इसके आंखों में कोई खोट तो नहीं है ना? अब तक दी परफॉर्मेंस काफी है। रिकमेंडेशन लिख हो जाएगी, अंदर चलिए। इस बार मेयर बन जाऊंगा। एक घंटा पहले निकले हैं, आराम से पहुंचेंगे। बस हॉर्न मत बजाना। नहीं बजाऊंगा भाई। वैसे हम इस रूट से क्यों जा रहे हैं? इस रूट पर वो टैक्सी वाला नहीं मिलेगा ना, तुम सीट बेल्ट पहन लो। अरे आप चुप रहो भाई, हम अपने हैदराबाद में सीट बेल्ट क्यों लगाएं? भाई लगा लेना, किसी का क्या। अरे मैं नहीं लगाऊंगा भाई। भाई वो डोंट साउंड हॉर्न वाला। गाड़ी रोक, वो गाड़ी जब तक नहीं निकल जाती तब तक यहीं पर रुके रहो। ओके भाई। वो जा रहा है। हाँ भाई, वो जा रहा है। हाँ भाई। वो सामान बाहर निकल आए ना। हाँ भाई। तो फिर लग गई। सीट बेल्ट लगाने में तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? अपने हैदराबाद में कौन बेल्ट लगाता है? अपना हैदराबाद, अपना हैदराबाद। मारो मारो। तुझे क्या, सरकार ने लिख करके दे दिया है? Tom, stop the car. I have an idea. Okay, take your time. He's amazing. Zing zing. Dead end. The end. Amazing. Zing zing. We saw your firing. All misfiring. Taxi bro. We love your skill. Thanks. इस टॉम क्रूज से पंगा लोगे तो हमें पकड़ना मिशन इम्पॉसिबल। अमेजिंग। जिंग जिंग। लोगरी बकवास बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। मैंने रिस्क बहुत ली थी, मुझे पैसे दो। ये 1000 रुपए रखो और निकलो। 1000? भैया 3000 दो तो मैं तुम्हें बचाता हूँ। हम 30 लाख देंगे। बाप रे। और मेरे 10 रुपीस। भगाने के लिए 30 लाख? तुम इस रिंग को रख लो और तुम जाओ यहाँ से। मेरे साथ आइए। आइए एक मिनट। हाँ मैडम, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो खुद हमारे पास आके सेट कर दूं क्या? कमिश्नर की कार है, प्रॉब्लम होगी तो? वो देखिए बुला रहे हैं हमको। तुम अब भी नहीं बदलोगी? मतलब तुम पैसे लोगे ही नहीं? नो नो नो, ओके ओके सेट कर दो। आपकी चोरी की हुई कार के बीच मैडम ना आए इसलिए आपको 50 लाख देना होगा। ए किशोर, हमें तो 40 चाहिए था ना। वो हमारे लिए मैडम। एथिक्स नहीं है क्या? आपके 40 एथिक्स क्या मैडम? ये डिस्कशन कैसा? फर्स्ट टाइम है क्या? फैंसी ऑफर 75 देंगे। पार्टी अरेंज करो। इट्स अमेजिंग। जिंग जिंग। श्रीदेवी बिटिया जी, बिटिया जी, बिटिया जी, महालक्ष्मी अवतारम, अवतारम, अवतारम। तुझसे ही है खुशियाँ और तुझ पे ही निर्भर है हम। अबे ये इमोशंस भी फॉलो नहीं करता क्या? जानकी स्वीट ले लो, जानकी। बेटी श्रीदेवी,
अपने सपनों को भूलकर अपनी फैमिली के लिए जो तुमने ये त्याग किया है वो इतिहास बनेगा। मेरी भाभी माँ, तुम बेटी से कुछ कहना चाहती हो ना, बोल दो। अब तुम कूद गई हो तो सोचो मत। ऐसे 6 महीनों तक कंटिन्यू करोगी तो हमारी फैमिली वर्ल्ड टूर पे जरूर जाएगी। शांत हो जाओ। आपने एक स्कैम करने को कहा, वो मैंने किया। अब जब तक मैं मेडल नहीं पा लेती तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। ए, तू घर पे क्या करने आया है? श्रीदेवी, पहले घर के बड़े बात करेंगे। आपकी लड़की से प्यार करता है, ये फ्रूस लेके मैरिज डेट फिक्स कर दीजिए। ए, जाएगा या एनकाउंटर करूं मैं? बस करो। ए, 2 शगुन की थाली। ए, ले लो आकर। आई देवे, सरकार करते क्या है? हम हैं कैब ड्राइवर। ओहो, तो तुम गरीबी रेखा से नीचे हो। वो क्या है कि हम जरा ऊपर आ गए हैं। तुम अपनी रेंज का रिश्ता ढूंढो। इसके मुंह मत लगो आप। बस करो, ऑन करो टीवी, लगाओ पेन ड्राइव। ओके ओके, सेट कर दो। आपकी चोरी की हुई कार के बीच मैडम ना है, इसलिए आपको 50 लाख देना होगा। अद्भुत विजुअल्स इस बच्चे की देन है। बालो, तुम समझ गए ना? तू तो गया। ये पेंट्राइव एज इट इज कमिश्नर के हाथों में चला गया तो स्कैम डिजाइन करने वाला किशोर जेल में। उसकी बात सुनी इसलिए श्रीदेवी की नौकरी जाएगी और वो घर पर। इस स्कैम से जुड़ी तुम्हारी पूरी फैमिली एज इट इज गरीबी रेखा में गिरकर मतलब मेरे पास आओगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो इस पेन ड्राइव को बस करो, दे दो शगुन, पहनाओ मंगलसूत्र। पापा, तुम चुप रहो। अपनी फैमिली के लिए दूसरे त्याग का समय आ गया है बेटी। सारे त्याग मैं ही करूँ क्या? जरूरत नहीं है मैडम। होल्ड इन, ये डिस्कशन का टाइम नहीं है, डिसीजन लेने का टाइम है। मैंने कमिश्नर को पहले ही बुला लिया है। हम फंस चुके हैं, बेटी मान गई है ऐसा झूठ बोलते हैं और 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। सुनो बेटा, लड़की मान गई है, बस 1 हफ्ते का टाइम दो, हम कुछ करते हैं। यहाँ बालू कौन है? सर मैं हूँ सर। मेरी कार किसने चोरी की, उसकी किडनैपिंग किसने की, इसके पीछे किसका हाथ है? सर मैडम को सारी डिटेल बता दी है मैंने, 1 हफ्ते में पकड़ लेंगी कहा। सॉरी सर, पार्टी में थोड़ा लेट आए हम। ये लोग चोर नहीं है सर, हमारे रिश्तेदार है। आपसे किसने पूछा? मैं लगा पूछे। चुप रहिए। फिर से 2 कारों की चोरी, 1 कार ऑडी, दूसरी स्कोडा। लोग बाहर अपनी कार पार्क करने में डर रहे हैं। इतनी सफाई से कैसे चोरी करते हैं? इट्स प्योरली एन आर्ट। ऐसा आर्ट क्या पता बेटी श्रीदेवी। उस कार में मेरी पत्नी का 10 तोले का हार है। कहाँ पर है? सीट कवर में। फ्रंट या बैक? बैक में। तुम कैसे भी करके? सीट के नीचे, मैट के नीचे, डिक्की में। वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ओके, कैरी ऑन, अब हम चलते हैं। चलो। थैंक यू। तुम कुछ भी करो, इस टैक्सी वाले के साथ उसके करीब जाकर उन चोरों को पकड़ लो। आप परेशान मत होइए सर, मैं बहुत करीब से फॉलो करूंगा। पापा आप पागल हो गए हो? मैंने शादी के लिए हाँ कब की जो उसे घर पे बुलाया है? उसे यहाँ खीर खिलाने के लिए बुलाया है, तुम्हारी शादी के लिए नहीं। ऊपर भेजना है उसे। उस खीर में मैंने जहर मिलाया है। तो उसे मार दोगे? इसमें मारना क्या है, हम क्या चाकू से मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं? खीर में जहर देकर ही तो मार रहे हैं, नॉट अ बिग डील यार। कोई केस बना तो पूरी फैमिली अंदर हो जाएगी। वो कोई कमिश्नर है क्या? मर गया तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है? एक टैक्सी ड्राइवर है, वो कोई जिला का DM CM नहीं है। ये केस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। ये प्लान मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर समझ लेना, वो पेन ड्राइव अगर कमिश्नर के पास पहुंच गई तो हम दोनों जेल में और तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी और हाथ पे कटोरा लेके भीख मांगते दिखाई दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। मौके की नजाकत को समझो, किशोर के इस आइडिया से ही हमारी फैमिली की रक्षा हो सकती है। ससुर जी, ससुर जी, श्री शाह, क्या हुआ? कर दो, शब्द नहीं मिल रहे क्या? ट्राई करो, मिल जाएंगे। अब तक तो श्रीदेवी को देखकर ट्याऊ 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 ट्याऊ, अब तो श्रीदेवी की पूरी फैमिली को देखकर ट्याऊ 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 ट्याऊ। चलो चलो, वो खीर इंतजार कर रही नहीं है। ससुर जी, मेरा पेट भर गया है। ओए, प्लान वेस्ट हो जाएगा। कैसा प्लान? अरे वो खीर वेस्ट हो जाएगी ना। ये लो ससुर जी, मुझे ये खाना है। उसमें तो मिलाया नहीं है। क्या नहीं मिलाया? ओ, इसमें प्रेम प्यार अनुराग मिलाया है और इन चीजों को मिलाकर ये खीर श्रीदेवी ने तुम्हारे लिए बनाई है। श्रीदेवी, तुमने इसमें जहर भी मिलाया हो ना तो भी मैं खा लूंगा। मरने की बहुत जल्दी तो ऐसी है। ससुर जी, इतनी अच्छी न्यूज सुनाई है तो पहले आपको खाना होगा। नहीं जी। ये तो ऐसे चीखी जैसे मैं आपको जहर खिला रहा हूँ।
वो क्या है ना, मुझे शुगर है, अगर मैंने खीर खाई तो जहरी हुआ ना। समझ रहे हो, तुम खाओ खाओ, खाओ। तुम किशोरी, मेरा पेट खराब है, आप खाइए ना। तुम खाओ तुम खाओ। कॉफी। सुनो जरा ये खीर उसके कप में भी डाल दो। ससुर जी, क्या हुआ? वो ना, मुझे श्रीदेवी के हाथों से ही खाने का मन कर रहा है। खिला दे, नहीं खिलाऊंगी। अरे खिला दे, आखिरी इच्छा है इसकी। आखिरी इच्छा कैसे हुई? मेरा मतलब प्यारी इच्छा है। एक मिनट, हाँ फैमिली फोटो मस्त लग रहा है, सबसे अपना इंट्रो करा लेता हूँ। हाय सासू माँ। हाय बड़ी सासू माँ। हाय। अरे अब ये इंट्रो किस लिए? एक कप खीर ही तो दी है, खीर खाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? रुक जाओ। इन्हें किसने बुलाया? मैंने। इस खुशी में ये शरीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? क्यों बेटी श्रीदेवी, कार का पता लगाने को कहा तो तुम्हें शादी की पड़ी है? हाँ, आपकी कार से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा क्या? पूछेंगे क्यों टैक्सी बाबू, इस रिश्ते के होने की असली वजह कौन है? आपकी कार। तो फिर खीर किसे खानी चाहिए? आपको। वो कोई जिला का DM CM नहीं है, ये केस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। दूध की खीर मुझे तो बहुत पसंद। अरे रुकिए सर, सर 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 सर, आपके लिए मांसाहारी खाना अलग से बनवा रखा है सर। लेकिन वो इस खीर से स्वादिष्ट नहीं होगा, तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हो? सर आप प्यास के हो गए, ज्यादा मीठा खाएंगे शुगर हो जाएगी। छोड़ मुझे, मुझे तो खीर बहुत पसंद है, मुझे तो खीर खानी है। अरे बाप रे, इसे तो जहर भी शहद लग रहा है। इसके साथ हम भी मरेंगे, अब हमारा क्या होगा? किसी को शक ना हो इसलिए हमारे घर में से 2 लोगों को खीर खाकर अस्पताल में एडमिट होना होगा। मैं? आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तो फिर दूसरा कौन? मैं क्या? इस प्लान में आप भी शामिल थे। क्या हुआ? ऑफिसर साहब सेफ है ना? मैं तो बच गया। अरे गधे, तुझसे नहीं, कमिश्नर कैसे हैं? He is out of danger. इन्हें यहाँ लेकर कौन आ गया? हीर में जहर के मिलने की रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, अगर इसे एज इट इज कमिश्नर को दिखाऊंगा तो। जानकी, सलाइन बॉटल तो ले आ। ओम दामादाय नमः। बेटा आज से तुम हमारे दामाद हुए। पापा। तुम चुप रहो दामाद जी, किसी भी तरह हमें इस मुसीबत से बचा लो। खीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, एक साथ ज्यादा खीर खा लिया जाए तो फूड पॉइजन का चांस रहता है। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा तो नहीं हुआ। अरे लेकिन हमने जहर नहीं मिलाया। क्या? मुझे लगा पूछेंगे। बेटी श्रीदेवी, अपनी शादी के खाने में इस खीर को अवॉइड करना। इस महीने में मुहूर्त निकल जाएगा सर। अरे वाह, इस बात पे मुंह मिठा लीजिए। यह क्या ऐतिहासिक खीर है जो हाथ में लेकर घूम रही हो? डॉक्टर। सर मैं खींचू क्या? चुप कर, एक ही बोल्ट आधे घंटे से घुमा रहा है, वहाँ हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हमें फ्लैट पकड़नी है, जल्दी कर। आप करते क्या है सर? शहनाई वादन करते हैं। ओहो, बैंड वाले हैं आप, समझा। सोना भैया। हाँ भैया। ये कौन है जो वादकों को बैंड बजाने वाला समझ रहा है? हम वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस हैं, पता है? जब तक मैं टायर बदल रहा हूँ थोड़ा आइटम दिखाओ ना। ओए, तेरी खुशी या मजे के लिए हम लोग नहीं बजाते हैं, हमारी शहनाई सुनने के लिए PM, CM और बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे बिना अमेरिका में कोई खेल प्रोग्राम शुरू नहीं होता है। हमारे शो की एक टिकट भी खरीद नहीं सकते हो तुम। ये बिल्ले क्यों टंगे पता है? तो ना भाई। हाँ भैया। ये बिल्ले नहीं, उपहार है, उपहार। फ्री में नहीं सुनूंगा, 116 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 116 रुपए देगा? अरे ऊपर से बोनस भी ले लेना। बाप रे, बोनस भी देगा ये? और कुछ देर इसके साथ रुकेंगे तो बात बात पर शहनाई बजाने को कहेगा ये। चल किसी और से लिप लेते हैं। हम तेरी तरह सेकंड क्लास नहीं है, हम बालकनी के हैं। तू जैसे बड़ी जगह हमारी शहनाई कभी नहीं बज सकती है। आप दोनों क्या करते हो? हम लोग शहनाई बजाते हैं। ओ, बैंड बजा बजाते हो? सोना भैया। हाँ भैया। दुनिया में बैंड बाजे के अलावा कोई और आर्ट नहीं है क्या? और कोई बैंड बाजे वाला ही समझ रहा है हम लोगों को? यू नो, वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस। यस। मूड ठीक नहीं है, कुछ बजा दोगे? बाप रे, टायर बदलने वाला वो और मूड बदलने वाला ये, आखिर समझ क्या रखा है? हमें सेकंड क्लास के लोग पसंद नहीं है। किसी सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी, हम उतर रहे हैं। मैं FM ही लगा लेता हूँ। तो AC भी थोड़ा बढ़ा दो भैया। पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आए? हाँ। छोटा सा काम है। देखो लेट होने पर हम मिनट का 100 रुपए काट लेंगे। मैंने सोचा कि मैं फ्री में लिफ्ट दे रहा हूँ, आप लोग पैसे दे रहे हो। ओके। तो ना भैया, गलती हो गई। भैया OR4BA6187, इस कार नंबर की डिटेल्स बताओगे? हम हर किसी को नहीं बताते। पैसे दूंगा तब तो बता दोगे ना? चल भागे यहाँ से। पैसे देने पर भी काम नहीं हो रहा है, आपके नाम से कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम परेशान हो रहे इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ, किसी पहचान के पुलिस वाले को बुला लो। SI रेंज का तो चलेगा ना? सीधे SI की बात कर रहा है, जैसे डिक्की में रखा होगा। एक मिनट।
अरे तुम कार ड्राइवर हो या जादूगर हो, बातों बातों में इसे फंसा लिया। इस आदमी से अब हम लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मैडम हमारा किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। तो ना भैया, भैया नाम जितना बड़ा होगा क्राइम भी उतना ही बड़ा होगा। अंदर रखो। आप लोग परेशान मत होइए, ये लड़की मेरे पहचान की है। पेन ड्राइव देने के बहाने किडनैप करके लेकर आया। पेन ड्राइव क्यों नहीं देते? एक बार मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन तुम भी फाइट या फायरिंग नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आप जल्दी काम कीजिए, हमें जाने का है। भैया पास होना। भैया मुझे लगता है हमें दूसरी गाड़ी देख लेनी चाहिए। गाड़ी रेडी है सर। कहाँ पर? आपके पीछे। ये हम कहाँ आ गए हैं? एक शव यात्रा है सर, उसमें शहनाई बजाएंगे तो 3000 मिलेंगे, 1500 आपके 1500 मेरे, ठीक है ना? सोना भैया। भैया किसी की मौत पर शहनाई बजाने को कह रहा है, क्या करूँ? इससे अच्छा हुआ कि हम उसी के साथ चले जाए। भैया देखो रो मत, दो तुम लेना एक मुझे देना। ए भगवान, बेटा सुप्रीम खिलाड़ी है। कोशिश तो कर रहा हूं सर, वो कहा है ना। पटनायक जी ने भेजा है, दिमाग का डॉक्टर सैफ अली खान, डॉक्टर करीना, डॉक्टर बप्पी, डॉक्टर लहरी। एक ऐसे डॉक्टर है? म्यूजिक थेरेपिस्ट है। ये कपड़ा क्यों लगाया? सीधे सर्जरी से चले आ रहे हैं। साइकियाट्रिक भी ऑपरेशन करते हैं का? डॉक्टर्स में एक बात समझ गया कि यही बॉस है इसकी। सर आप डॉक्टर से लॉजिक की बात करोगे तो हर्ट होता है। रुको रुको रुको, खाते में टांग का हेड डालता है, कोई नया दिख जाए बस चौधरी बन जाता है, गधा कहीं का। डॉक्टर आप बच्चा से, आप पहले बच्चे को बुलाइए। बच्चे से मुझे अकेले में बात करनी है। ओके डॉक्टर। ए चल। उन्होंने जो मांगा था वो दे देना था। हे राजन, जो भी हो डॉक्टर डॉक्टर होता है, इसको देख के आंख में हंसू आ गया। 10 मिनट बाद देखना, कुछ और ही आएगा। क्या? कुछ नहीं। बच्चे को किसी ने मारा था क्या? बहुत पूछा, इसने कुछ नहीं बताया, इसलिए मेरे आदमियों ने मारा। ओके, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके डॉक्टर। बच्चे को किस किसने मारा था हाथ उठाओ। चिल्ड्रन साइकोलॉजी के हिसाब से छोटे बच्चों के साथ खेलो तो हम जो मांगते हैं वो दे देते हैं। खेलते ही दे देते हैं क्या? डॉक्टर्स लेट्स शो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है पता है? पता है ना? कहाँ है बोलो बोलो। हमरा को पता है ना? डॉक्टर्स बॉस को पता है, लेट्स गो। डॉक्टर कोई भी मिल जाए पट्टे में टांग डालता है। हाँ तो बता बेटा। बच्चा उदास हो गया, एक और गेम खेलना होगा। कोई भी गेम होने दो, मैं खेलूंगा। आओ खेले आंख मिचोली सारे, जाकर छुप जाओ। अभी उम्र में काई छुपा छुपी। बच्चे से सच बोलवाना है, नाटक करना छोड़ दे, सब ईमानदारी से खेलेंगे। आपके साथ खेलने का तो मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ, आज हमको मौका मिल गया है। जब तक मैं 10 बोलूँ सारे लोग छुप जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जॉनी, हे शिवा, जॉनी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कोई है? केशव, जानी, अरे इतनी जोर से क्यों मार रहे हो तुम लोग? ईमानदारी से खेलने को कहा तो कमीने इतने जोर से मार रहे हैं।
माही रे माही। एक घंटा घबरू जाओ। मर गए वो बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा है। ए, हमनी के पकड़ने के लिए बहाना बना रहा है। इसकी बात अनसुनी कर दो, सब लोग छुप जाओ। जाओ जल्दी शिवा सब आ जाओ। अरे अब तो खेल खत्म हो गया, आप क्यों मार रहे हो उल्लू के पर।